स्टार सिटी फेज 4 के रहवासियों ने कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में पहुंचकर पानी की समस्या निजात दिलाने की मांग की। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि वो लंबे समय से जल संकट से जूझ रहे हैं। तेज बारिश के बाद भी एसपी कार्यालय में शहरी और ग्रामीण इलाकों से आए लगभग 30 आवेदकों ने अपनी समस्याओं से पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया और उनका निराकरण कराने की मांग की। नगर निगम में तैनात एक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड पर एक महिला ने रामपुर ब्रजमोहन नगर में गरीबों की आवाजों पर कब्जा करके रंगदारी करने का आरोप लगाया। नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंची महिला ने आवास योजना के मकानों का आवंटन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए जांच कराने की मांग की। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। पहले जैसी सतर्कता की फिर से जरूरत है, लेकिन लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। कलेक्ट्रेट में जिले भर से आने वालों की भीड़ लगती है। अधिकांश लोग बिना मास्क के नजर आते हैं। 5 जनवरी को 2 माह से लंबित वेतन का भुगतान करने का लिखित आश्वासन मिलने के बाद कचरा गाड़ियों के ड्राइवरों एवं हेल्परों की हड़ताल समाप्त हो गई। 7 दिन बाद शहर को राहत मिली है। कचरा कलेक्शन करने वाली गाड़ियां फिर सड़कों पर दौड़ती नजर आने लगेंगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक दल के सदस्यों के द्वारा किए गए ध्वज वंदना से प्रारंभ कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। कर्मचारी संगठनों एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भाजपा विधायक अजय विश्नोई अगले सप्ताह भोपाल जाएंगे, जहां मुख्यमंत्री चौहान के सामने ये मांग रखी जाएगी कि मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जबलपुर से भोपाल शिफ्ट ना किया जाए। रोहतक में आयोजित हुई रेंगू और दंगल प्रतियोगिता में जबलपुर के खिलाड़ियों ने स्वर्ण और कांस्य पदक जीतकर शहर और प्रदेश का नाम रोशन किया है। पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों का रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। शहर में हुई बारिश से खरीदी केंद्रों में खुले में रखी धान गीली हो गई है, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। हालांकि खाद्य विभाग और खरीदी केंद्र प्रबंधक ने धान के बचाव के इंतजाम किए जाने के दावे किए हैं। महाराजपुर क्षेत्र में एक सोने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने टीवी कंप्यूटर सहित सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए। हड़ताल पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मौसम में हुए एकाएक बदलाव के बाद दिन में अंधेरा छा गया और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। जबलपुर के गौर सालीवाड़ा में बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम के रंग बदलते ही किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें दिखाई दी। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना, और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बारिश की वजह से खुले में रखी धान हुई गीली, किसान रहे परेशान। पुख्ता इंतजाम के दावे कर रहे खाद्य विभाग के अधिकारी। नगर निगम के एक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड पर लगा गरीबों के आवास योजना के मकानों पर कब्जा करने का आरोप। निगम की जनसुनवाई में रामपुर ब्रजमोहन नगर से आई महिला ने लगाए सनसनीखेज आरोप। महाराजपुर स्थित सोने मकान में चोरों ने बोला धावा, लाखों के माल पर किया हाथ साफ। जांच में जुटी हड़ताल पुलिस। और मौसम में हुए बदलाव के बाद दिन में अंधेरा छाने के साथ हुई तेज बारिश, कई स्थानों पर गिरे ओले, मौसम में घुली ठंडक। स्टार सिटी फेज 4 के रहवासियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय की जनसुनवाई में पहुंचकर पानी की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि वो लंबे समय से जल संकट से जूझ रहे हैं और उनके यहां अभी तक पाइपलाइन नहीं बिछी है। स्टार सिटी फेज 4 में रहने वाले लगभग 250 परिवार जल संकट से जूझ रहे हैं। उनके द्वारा कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में शिकायत दी गई। क्षेत्रीय जनता ने बताया कि उनके यहां पर पाइपलाइन भी नहीं बिछी है और पानी की किल्लत के कारण उन्हें बेहद परेशानी हो रही है। एक्चुअली हम लोग स्टार सिटी फेज 4 में रहते हैं, सभी निवासीगण हैं हमारे साथ में ये, और हमारी समस्या है पानी की। पानी की समस्या हमारी जो है दूर नहीं हो रही है। हमारे यहाँ पाइपलाइन भी नहीं बिछी है अभी तक, और इधर और उधर पाइपलाइन बिछ भी चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी पाइपलाइन नहीं पड़ी है पानी की। कितने घर प्रभावित हैं? हमारे घर करीब 300 फैमिली हैं, 200 फैमिली रहते हैं।
बेटे की मौत के बाद बहू द्वारा जमीन जायदाद पर कब्जा करने की शिकायत लेकर बेलखेड़ा से आई सरोज दुबे ने बताया कि उन्होंने सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम पर कर दी थी, लेकिन एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद बहू ने उनकी संपत्ति हड़प ली है। यहाँ पे सुनवाई के लिए आए कि हमारे एक बेटा था, अकेला इकलौता, तो उसके नाम में हमने जमीन कर दी थी, पूरी जिंदगी भर की कमाई बेटे के दी थी, तो उसने अपने नाम में करवा ली थी, और एक मकान लिया था, दो प्लाट थे, और जमीन तो बहू ने अब पूरा अपने नाम में करा लिया, हम लोगों को कुछ नहीं थे। आपको अलग कर दिए क्या घर से? अब अलग ही रह रहे, वो जबलपुर में रहते थे, हाँ, तो वो अब कुछ नहीं दे वो चाह रही हम लोगों को। और जब LIC में था मेरा बेटा, तो जब शुरू में LIC में था, एक्सीडेंट में, कहाँ का थाना है, कौन थाने के अंदर? बेलखेड़ा थाना। जनसुनवाई में आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए युवक और पति से तलाक लेने की शिकायत लेकर महिला ने भी अधिकारियों को अपनी परेशानी बताई। मेरे को अपने पति से तलाक चाहिए है, वो दे नहीं रहे हैं, मैं 4 साल से अपने माँ बाप का नहीं, मेरी जब बहुत तबीयत खराब थी तब से मैं यहाँ को, लेकिन ना वो पूछ रहे हैं मेरे को कि मैं कैसी हूँ, कहाँ हूँ। मेरा एक दो लड़के हैं, एक लड़का एक लड़की है, लड़की मेरे साथ है, लड़का खुद रखे हुए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे तलाक बस दे देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल तलाक चाहिए उनसे। यहाँ पे इलाज के लिए आया हूँ पापा जी के, दोनों कान में प्रॉब्लम जा रही है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण हमारा घर का इलाज भी नहीं हो पा रहा है। तो मेडिकल में क्या बोला जा रहा है और अभी यहाँ पे क्या क्यों आए हैं? यहाँ पर आए हुए हैं इलाज के लिए, ताकि मतलब बाहर इलाज हो जाए हमारा या मेडिकल में ही हो जाए। मेडिकल में 2 बार वो सिर्फ मशीन दी गई है हमको, बाकी इलाज नहीं किया गया है। जनसुनवाई में नामांकन, बंटवारा, राशन कार्ड, शिक्षा, आर्थिक मदद सहित अन्य मामले प्रमुख रहे। तेज बारिश के बाद भी SP कार्यालय में शहरी और ग्रामीण इलाकों से आए लगभग 30 आवेदकों ने अपनी समस्याओं से पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया और उनका निराकरण करने की मांग की। SP कार्यालय में आयोजित हुई जनसुनवाई में ग्राम घाना से पहुंचे कुंदन नामक व्यक्ति ने पटवारी अजय तिवारी के खिलाफ शिकायत देकर आरोप लगाया है कि पटवारी और अधिकारियों की मिलीभगत से कुटरचित ढंग से बिल्डरों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। SP आज जनसुनवाई में शिकायत देने आए कि हमारी ग्राम घाना स्थित थाना खमरी के अंतर्गत हमारी जमीन है, और उसमें जो है पटवारी ने क्या किया है कि नक्शे में बटांग नहीं है, और ये नामांतरण कर रहा है, वहाँ अवैध कॉलोनी अजर बना रहा, और अवैध कॉलोनी में बिल्डरों से मिलकर छोटे छोटे टुकड़े प्लाट की बिक्री करके और उसमें जो है कब्जा करवा रहा है, लेकिन नक्शे में जो बटांग है वो बिल्कुल नहीं बटांग कर रहा है, और ऐसी कूटरचित नक्शे के आधार पर सब नामांतरण कर रहा है। नायब तहसीलदार और ये लोग दोनों मिलकर ये सब काम कर रहे हैं, पटवारी अजय तिवारी और नायब तहसीलदार पनागर। वहीं रतन नगर से आई एक महिला ने क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने की शिकायत दी है। मेरे भाई बेलदारी करते हैं, जहां भी काम में जाते तो नीलेश साहू का साथी रवि मेरे भाई को वहां रोक के चाकू या तलवार चमकाता है, और फिर जब मैं नल में पानी भरती हुई रहती हूँ तो मुझे आके मेरी चुन्नी खींचेगा, मुझसे छेड़छाड़ करता है, मुझसे कहता है तेरे को जो 600 रुपये पेंसिल मिलती तू मुझे देना, और नहीं मैं तेरे को मार के फेंक दूंगा और तेरे भाई को भी बंद करा दूंगा झूठे आरोप में। अभी मेरे भाई को बंद करा दिया गया था 2 अक्टूबर को, तो 3 महीने मेरा भाई जेल में था, मेरे घर में आके मुझे बहुत धमकियां देता था। जनसुनवाई में लगभग 30 मामले आए हैं। नगर निगम में तैनात एक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड पर एक महिला ने रामपुर ब्रजमोहन नगर में गरीबों के आवास पर कब्जा करके रंगदारी करने का आरोप लगाया है। नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंची महिला ने आवास योजना के मकानों के आवंटन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए जांच की मांग की। अचानक बिगड़े मौसम के मिजाज का असर निगम की जनसुनवाई पर भी पड़ा। जनसुनवाई में पहुंचने वाली शिकायतों की संख्या बेहद कम रही, सिर्फ 6 शिकायतें ही जनता दरबार में पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा और स्वच्छता से संबंधित रहीं। जनसुनवाई में पहुंची एक महिला ने आरोप लगाया कि नगर निगम में बतौर प्राइवेट सुरक्षा गार्ड तैनात व्यक्ति द्वारा रामपुर ब्रजमोहन नगर में बने गरीबों के आवास पर कब्जा कर लिया गया है, और क्षेत्रीय लोगों को वर्दी की धौंस दिखाकर गुंडागर्दी की जा रही है। ये पहले फौज में थे और वहाँ से ये रिटायरमेंट होकर और अब यहाँ पर ये अपने प्यून की ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी फ़ौज की ड्रेस ही पहन कर आते हैं, और इन्होंने जो रामपुर छापर न्यू ब्रजमोहन नगर में जो क्वार्टर सरकारी बने हुए हैं उसमें एक बिल्डिंग में पूरा अवैध कब्जा करके रखे हुए हैं, और इन्होंने अपनी ड्रेस के बलबूते पर ये हमेशा यहाँ पर गुंडागर्दी करते हैं, यहाँ का माहौल ख़राब करके रखे हैं,
आए दिन गरीबों को परेशान करते हैं, सबकी झूठी झूठी शिकायतें करते हैं। मेरे भी पूर्व में बहुत सारी शिकायतें कर चुके हैं और मैं इनसे बहुत परेशान हूँ। वहीं अपनी सफाई में सुरक्षा गार्ड ने बताया कि महिला द्वारा झूठी शिकायतें की जा रही हैं। बोल रही है थाना से, वो गलत बोल रही है, क्योंकि मेरा खुद का मकान नर्मदा नगर कॉलोनी में था, जो काफ़ी बड़ा मकान था, उसमें हमारा पूरा परिवार रहता था, छोटा भाई, उसकी बहू, बेटी दामाद, लड़का बहू, और वर्तमान में अभी जो वेद प्रकाश कमिश्नर साहब ने मेरे को दिए हैं, जो हमारे परिवार को देख कर दिए, और सब ऊपर वाले छोटा भाई रहता है, और उसके बाद में बेटी दामाद रहते हैं, उसके बाद लड़का बहू रहते हैं, सबसे नीचे मैं रहता हूँ, क्योंकि मेरे पैर में गोली लगी है, इसलिए मैं नीचे रहता हूँ। स्टार सिटी फेज फोर से आए लोगों ने सड़क, पानी, नाली और स्ट्रीट लाइटों को लेकर शिकायत की। शिकायतकर्ता ने बताया कि नगर निगम टैक्स तो पूरा ले रहा है, लेकिन जो सेवाएं मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। हम लोग स्टार सिटी फेज फोर के निवासी हैं और वहाँ पे हम लोगों को पानी की समस्या से हम लोगों को दो दो चार होना पड़ रहा है। गर्मी में हम लोगों को सबको बोर करके दिए हुए हैं, लेकिन गर्मी में सारे बोर फेल हो जाते हैं, दो चार ही चलते रहते हैं, और नगर निगम का पानी हम लोगों को चाहिए, जो कि फेस 1, 2, 3 में आ गया है, लेकिन फेस 4 में नहीं आया, बगल में लगा हुआ है, इसलिए हम लोग पानी की समस्या को लेकर आए हुए। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए अपर आयुक्त महेश कुमार कोरी एवं उपायुक्त अंजू सिंह ने लोगों को त्वरित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। पहले जैसी सतर्कता की फिर जरूरत है, लेकिन लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। कलेक्ट्रेट में जिलों से आने वालों की भीड़ लगी रहती है। अधिकांश लोग बिना मास्क के नजर आते हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि ये लापरवाही कहीं महंगी ना पड़ जाए। जिले के मुख्यालय कलेक्ट्रेट में प्रतिदिन हजारों लोग अपने काम से आते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि कार्यालय आने वाले अधिकांश लोग मास्क नहीं लगाते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। देश में ओमिक्रॉन के संक्रमित लोगों की संख्या 600 के पार पहुंच गई है। संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है, लिहाजा फिर पहले जैसी सावधानियों की जरूरत है, लेकिन लोग लापरवाही बरत रहे हैं। लोक सेवा केंद्र में मैं आया, मैं तो मास्क लगा के आया हूँ, लेकिन यहाँ दहशत का माहौल है। अंदर जाने में डर लग रहा है कि कहीं कोरोना का अगर एक भी संक्रमित आदमी अगर मिल गया तो सारे लोगों में फैल जाएगा। शासन यहाँ ना लोक सेवा केंद्र में ना ये कोई कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, ना कहीं सैनिटाइज़र है, ना कहीं उनने बोर्ड लगा कर लिखा है कि कहीं हमको मास्क लगा के ही यहाँ प्रवेश करें। यहाँ शुद्ध भ्रष्टाचार का आलम है, और कम से कम शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कम से कम सब लोग मास्क लेके प्रवेश करें। इसमें तो बहुत ही डर लग रहा है देख के, अपने यहाँ संस्कारधानी में ये स्थिति ना बन पाए, इसलिए मैं प्रशासन से और लोगों से ये चाहूँगा कि वो मास्क लगा के आए और सही नियम का पालन करें। यहाँ कोई आदमी भी नहीं है जो सैनिटाइज वगैरह करे और प्रवेश करे फिर उसके अंदर। बहरहाल जानकारों का कहना है कि पहले की तुलना में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलने की रफ्तार ज्यादा तेज है, ऐसे में सावधानियां भी पहले से ज्यादा रखी जाना चाहिए। 5 जनवरी को 2 माह के लंबित वेतन का भुगतान करने का लिखित आश्वासन मिलने के बाद कचरा गाड़ियों के ड्राइवरों एवं हेल्परों की हड़ताल समाप्त हो गई। 7 दिन बाद शहर को राहत मिली है। कचरा कलेक्शन करने वाली गाड़ियां अब फिर से सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले वाहनों के ड्राइवरों और हेल्परों की हड़ताल 7 दिन बाद समाप्त हो गई है। नगर निगम के अपर आयुक्त और ठेकेदार कंपनी के लिखित आश्वासन के बाद सफाई मजदूरों ने अपनी हड़ताल को समाप्त कर दिया है और वापस काम पर लौटने लगे हैं। इन्हें लिखित आश्वासन दिया गया है कि 5 जनवरी को 2 महीने का बकाया वेतन दे दिया जाएगा। कचरा गाड़ियों के वाहन चालकों एवं हेल्परों की हड़ताल समाप्त होने राहत की सांस ली है। 7 दिनों तक कचरा नहीं उठने से लोग परेशान थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों के द्वारा किए गए ध्वज वंदना से प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। नगर कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू की अगुवाई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। बंदरिया तिराहे के पास स्थित मैदान में स्थापना दिवस का भव्य आयोजन हुआ। कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों ने राष्ट्र ध्वज वंदना करते हुए कार्यक्रम का आरंभ किया। जैसे थे ध्वज गीत शुरू करेंगे। जय
आज कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस के मौके पर जबलपुर शहर में यहाँ पर स्थापना दिवस का समारोह आयोजित किया गया। झंडा वादन सेवा दल के द्वारा, उसके बाद कांग्रेस के इतिहास के बारे में वरिष्ठ नेता यहाँ पर जानकारी देंगे। साथ ही 101 सफाई कर्मचारी जो हैं, जिन्होंने कोरोना काल में और पूरे जीवन हम सबकी सेवा में लगे रहते हैं, उनका सम्मान, उनके साथ भोजन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। और भी विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर कांग्रेस जन उपस्थित हैं, रहेंगे और भोजन के उपरांत समापन होगा। इस प्रतिबद्धता के साथ, इस संकल्प के साथ कि कांग्रेस का संगठन हमारे मजबूती से काम करे, देश के लिए काम करे, मध्य प्रदेश के लिए काम करे और जबलपुर शहर को आगे बढ़ाने के लिए हर समय संकल्पित रहे। कांग्रेस के स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में 101 सफाई मजदूरों का सम्मान भी किया गया, जिन्होंने कोरोना काल में महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर इंसानियत को जिंदा रखा। साथ ही वरिष्ठ कांग्रेस जनों द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास से अवगत भी कराया गया। कर्मचारी संगठनों एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भाजपा विधायक अजय विश्नोई अगले सप्ताह भोपाल जाएंगे, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने ये मांग रखी जाएगी कि मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जबलपुर से भोपाल शिफ्ट न किया जाए। दर्जन से ज्यादा संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाजपा विधायक अजय विश्नोई से मुलाकात की और विद्युत मंडल के विखंडन को रुकवाने की मांग की। संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि पहले ही जबलपुर को कई तरह के अधिकारों से वंचित रखा गया है और अब बची हुई शाखा को भी समाप्त करने की कोशिशें हो रही हैं। विभिन्न संगठनों के लोग आज हम लोग यहाँ पर मुलाकात की अजय विश्नोई से और उनको रिक्वेस्ट किया है कि जोधपुर के अस्मिता का मामला है, विद्युत भवन का, शक्ति भवन का विखंडन हो रहा है, उसको अपने को चेक करना जरूरी है। उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार कर लिया है और ये घोषणा की है कि अगले वर्ष साल के प्रथम सप्ताह में, जनवरी के प्रथम सप्ताह में वो विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों को लेकर, नागरिकों के प्रतिनिधियों को लेकर भोपाल में मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। विधायक अजय विश्नोई ने संगठनों के प्रतिनिधियों का भरोसा दिलाया है कि उनके साथ भोपाल जाकर शहर के अधिकारों के लिए आएंगे और सीएम से चर्चा करेंगे। जबलपुर की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर रहना चाहिए, ये भाव है जबलपुर वाले के मन में। समय के साथ में हमको बहुत कुछ मिलना चाहिए था जो नहीं मिला, पर जो मिला है उसे भी छुड़ा लिया जाए, ये कोई जबलपुर वासी स्वीकार नहीं करेगा। आज जब डॉक्टर नाचपांडे जी और उनके साथी मेरे पास इस आग्रह को लेकर आए तो मैंने उनको बताया कि मैं पहले ही इस पर एक्शन ले चुका हूँ। 23 तारीख को मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट एक पत्र भी लिख चुका हूँ, वो पत्र की प्रतिलिपि मैंने उनको सौंपी है और अब उनके आग्रह पर मैं उनके साथ में अगले सप्ताह भोपाल जाके मुख्यमंत्री जी से हम लोग सामूहिक रूप से इस विषय में चर्चा करेंगे और मुझको विश्वास है कि हम इस आदेश को निरस्त करा लेंगे। थैंक यू। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के रेवेन्यू मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को जबलपुर शक्ति भवन से हटा शिफ्ट करने का आदेश जारी किया है, इससे शक्ति भवन महत्वहीन हो जाएगा। रोहतक में आयोजित हुई रेंगू और तुंगल प्रतियोगिता में जबलपुर के खिलाड़ियों ने स्वर्ण और कांस्य पदक जीतकर शहर और प्रदेश का नाम रोशन किया है। पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों का रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। रोहतक में 23 से 27 दिसंबर तक आयोजित हुई रेगू और तुंगल स्पर्धा में जबलपुर के खिलाड़ियों नितिशा मनवानी, जागृति कुशवाहा, निकिता कुशवाहा ने गोल्ड मेडल एवं ब्रॉन्ज मेडल जीतकर प्रदेश और जबलपुर का नाम रोशन किया है। पदक जीतकर वापस लौटे खिलाड़ियों का रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। खिलाड़ियों ने बताया कि इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों की लगभग 21 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने बताया कि रेगू और तुंगल इंडोनेशिया के गेम हैं और अब उनका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना है। बहुत अच्छा लगा जीत के, मतलब बहुत अच्छा। केरला एंड ओडिशा, मणिपुर। गोल्ड हमने एक ही मैच खेला और केरला टीम ने हमें टक्कर दी। कैसे लग रहा है जबलपुर आके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है।
सर हम वहाँ गए थे रोहतक हरियाणा में प्रतियोगिता हुई थी, वहाँ हमने रेगू और तुंगल मतलब प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और वहाँ हम तीनों ने फर्स्ट रैंक मतलब जीता है। कितने मैच खेले आपने वहाँ? हमने वहाँ दो मैच खेले, एक रेगू मतलब जो टीम के साथ होता है उसमें तीन लोग करते हैं और एक तुंगल किया जिसमें मतलब एक ही लोग करते हैं, शॉर्ट वेपन और स्टिक। कौन से पदक मिले आपको? स्वर्ण पदक और रजत। मैच में क्या अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। ये हमारा पेंचक स्लॉट है, इट्स इंडोनेशियन गेम जो श्री राम भगवान जी की देन है और उन्हीं के ही उसमें चल रहा है ये गेम अभी भी, इसमें अभी हम श्री राम भगवान जी का ही विश करके ही आगे बढ़ते हैं और ये जो बच्चे हमारे हैं इन्होंने बहुत मेहनत की इस चीज़ के लिए और अभय सर जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं अभय श्रीवास्तव सर उनको हम पे बहुत ज़्यादा गर्व है कि बच्चों ने फर्स्ट टाइम पे ही इतना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया, क्योंकि पहली बार में जाना और नेशनल चैंपियनशिप से गोल्ड मेडल लेके आना बहुत बड़ी बात होती है, इन लोग की बहुत कड़ी मेहनत थी। बहुत ज़्यादा इसकी हमें मतलब सपने में नहीं सोचे थे, वो आज हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है इसी कि जिस तरह से हम लोग को यहाँ पर स्वागत हुआ है, यहाँ पर हमारे सेक्रेटरी सर आए हुए हैं, सेक्रेटरी सर हैं और इतने सारे बच्चे से आए हैं और इनके पेरेंट्स आए हुए, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पदक जीत कर लौटे खिलाड़ियों के अभिभावकों के चेहरों पर भी खुशी साफ नजर आई। शहर में हुई बारिश से खरीदी केंद्रों में खुले में रखी धान गिरी हो गई है जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। हालांकि खाद्य विभाग और खरीदी केंद्र प्रबंधक धान के बचाव के इंतजाम किए जाने के दावे कर रहे हैं। एकाएक हुई तेज बरसात से धान खरीदी केंद्रों में खुले में रखी धान की खराब होने के आसार बने हुए हैं। कई केंद्रों में धान गीली हो गई है। बताया कि खरीदी केंद्रों में बारिश से बचाव के कोई इंतजाम नहीं है, वहीं तिरपाल की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है। खरीदी केंद्र जहां भी बनाए हैं अपने जिला प्रशासन ने, वहाँ पर पर्याप्त जगह नहीं है, अधिकारी मौके पर जाते नहीं है, जगह देखते नहीं है। अब किसान वहाँ पर एक एक दिन में एक एक ट्राली ले जाके खाली कर रहा है। बारिश से अब जब खरीदी नहीं हुई तो किसानों के मतलब बाहर जगह धान रखी हुई है और वो गीली हो रही है। जो पानी गिरा है उससे विलम्ब से खरीदी हुई, पानी से बहुत नुकसान हुआ धान का। जो कहाँ कहाँ पर हुआ वो टिपरा? हाँ, हम लोग शहर टिपरा। वहीं जिला पूर्ति नियंत्रक नुजरत बकाई का कहना है कि धान को गीला होने से बचाने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। क्योंकि बारिश हुई है तो ये तो सर्वविदित है कि खुले में जो अनाज पड़ा हुआ है वो प्रभावित तो हुआ ही होगा, उसकी सुरक्षा करना भी प्रथम दृष्टया जो है वो सबसे प्रमुख काम है हमारा। मैडम, दिन भर बारिश चल रही है, बिजली चल रही है, क्या आपने दिशा निर्देश जारी किए कि धान को बचाने के लिए कहीं आपने सूचना? जी हाँ, हमारा जो ग्रुप है ई उपार्जन का ग्रुप है, मैं सुबह ही उसमें एक मैसेज डाल चुकी हूँ और जिला परिवहन अधिकारी को भी उसमें लिखा है कि तीव्र गति से परिवहन करा है। इसके अतिरिक्त भी समितियों ने फोटो जो है उसमें शेयर किए हैं जिससे वो त्रिपाल को अपनी त्रिपाल से अपनी उपज को ढकते हुए नजर आ रहे हैं। महाराजपुर क्षेत्र में एक सोने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने टीवी कंप्यूटर सहित सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए। धारताल पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। महाराजपुर में रहने वाले विनोद कुमार के घर पर चोरों ने उस वक्त धावा बोलकर लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया जब वो अपने परिवार के साथ शहर से बाहर गए थे। पड़ोसियों के द्वारा दी गई सूचना के बाद वो वापस लौटे तो उन्होंने इस घटना की रिपोर्ट आधारताल थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। विनोद ने बताया कि चोरों ने दरवाजे का इंटरलॉक जलाकर और एल्ट्रॉफ तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हमारा जो किचन साइड से इंटरलॉक लगा हुआ था और ताला भी लगा हुआ था, इंटरलॉक पूरी तरह से काट करके नीचे गिरा दिया गया है, जलने का पूरा राख गिरा हुआ है। उसके बाद मेन दरवाज़ा जो था मेरा गेट के अंदर का मेन दरवाज़ा, वो भी लकड़ी का है, वहाँ से एयरड्रॉप सहित जो है उसको निकाला हुआ है और दरवाजे को जला दिया गया है। इंटरलॉक लगा हुआ था। क्या सामान दिया आपका? सामान हमारा सैमसंग का बड़ा 50 इंच वाला टीवी था, अभी मैंने दशहरा के समय में खरीदा था। बताया जा रहा है कि चोरों ने टीवी कंप्यूटर सहित सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए हैं।
मौसम में हुए एकाएक बदलाव के बाद दिन में अंधेरा छा गया और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। जबलपुर के गौर सालीवाड़ा में बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम के रंग बदलते ही किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें दिखाई दी। वहीं बारिश के बाद कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार बने हुए हैं। मौसमविदों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से संभाग के कई स्थानों में बारिश होने के आसार बने हुए हैं। मौसम के रंग बदलते ही मंगलवार की सुबह का नजारा कुछ ऐसा रहा। सुबह 11 बजे एकाएक अंधेरा छाने के बाद तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने शहर की फिजा की रंगत ही बदल दी। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से प्रदेश के कई स्थानों में बारिश हुई है और संभाग के कई स्थानों में बारिश के आसार बने रहेंगे। उन्होंने बताया कि बादलों के छटने के बाद ठंड में और भी इजाफा होगा। वहीं मौसम में हुए इस बदलाव की चर्चा शहर के हर व्यक्ति की जुबान पर रही। अभी तक तो ऐसा नहीं पड़ रही थी ठंड, अब पड़ेगी ठंड। मौसम जिस प्रकार से बना है अभी मौसम में क्या दिख रहा है आपको? बस बादल कालेपन है, ऐसा लग रहा है कि उस बिल्कुल शाम हो गई हो। शाम हो गई जी, देखा पहले आपने? ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुबह के सुबह 11 बजे और ऐसा लग रहा है कि जैसे रात हो, और ऐसा मैंने पहली बार देखा है। और ऐसा लग रहा है कि ठंड के आसार बहुत तेज समझ में आ रहे हैं और बारिश भी हो रही है। और देखिए आपके सामने ही पानी गिरने लगा है, सारे मरीज अस्त व्यस्त हो गए हैं, तो निश्चित ही ठंडी बहुत ज्यादा होगी, तेज होगी। एक नंबर मौसम है, एक नंबर मौसम है। हाँ, अंधेरा हो गया है। हाँ, दिन दहाड़े अंधेरा हो गया। दिन दहाड़े? हाँ। अभी कितना बज रहा दिन का? अभी तो 11:30 हुआ है। हाँ। आपने ऐसा मौसम कभी देखा पहले? नहीं देखा। हाँ। आज इतने दिनों के बाद मॉर्निंग टाइम में भी पानी गिर रहा है। इतना हम लोग कॉलेज जा रहे थे, अपनी अपनी गाड़ियों की लाइट चालू करनी पड़ी। आज इतना अंधेरा पड़ गया था यहाँ पे। बारिश इतनी तेज गिर रही है, ठंड के साथ साथ बारिश, ओले भी गिर रहे हैं, आंधी तूफान आ रहा है। खास बात यह है कि बारिश के साथ सालीवाड़ा गौर भटौली में ओले गिरने से लोगों में चर्चाओं का बाजार बना रहा, तो वहीं किसान जरूर परेशान नजर आए। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज़।